तो मीड विलेजर्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पेज लेआउट टैब के बारे में और इसमें से एक से एक टोटल ए टू जेड जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी ऑप्शन, हम सारे ऑप्शन को सीखने की कोशिश करेंगे, सारे ऑप्शन जानेंगे और पूरा डीप में सीखने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पेज लेआउट सेक्शन में हम देखिए, पहले हमने एक टेबल बना लिया अपने, हमारे पास एक शीट है जो हमने एक वर्कशीट बनाया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डाटा है हमारे पास। तो इस पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, पहला जो सेक्शन होता है पेज लेआउट में होता है थीम्स, ठीक है। तो थीम्स में जो पहला ऑप्शन वो है थीम्स का, तो यहाँ पे देखिए अगर हम थीम्स में अप्लाई कर रहे हैं तो थीम्स इसमें कलर अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है, बस टेक्स्ट का टेक्सचर थोड़ा सा चेंज हो रहा है बस, ठीक है। तो ये अप्लाई कैसे होगा, तो भैया अप्लाई करने के लिए पहले तो मैं बता दूं, इसको पूरा हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। सिलेक्ट करने के बाद, इसको सिलेक्ट करने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ होम टैब पे आते हैं और यहाँ ये लिखा हो स्टाइल। स्टाइल में आने पर हम कोई भी एक स्टाइल यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, जैसे ये, ठीक है, हमने ये स्टाइल अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेंगे ताकि अच्छे से दिखता रहे। तो देखिए हमने ये स्टाइल यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, ठीक है। स्टाइल अप्लाई करने के बाद हम आएंगे पेज लेआउट सेक्शन में, अगर अब यहाँ पे आते हैं तो क्या कलर चेंज होगा, देख सकते हैं बिल्कुल आराम से कलर चेंज हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं। इससे पहले क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने क्या किया था, सीट में स्टाइल्स को नहीं अप्लाई किया था, ठीक है। तो विदाउट विदाउट स्टाइल्स यहाँ पे थीम्स अप्लाई होगा ही नहीं, ठीक है। तो थीम्स अप्लाई करने से पहले आपको वहां पे स्टाइल को करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखिए ये है, पहले तो थीम्स एक ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ये बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा कलर देखते हैं, कलर में देखो अगर हम कोई भी कलर यहाँ पे कर रहे हैं तो कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आपको जो भी कलर पसंद हो वो कलर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मुझे ये पसंद है मैंने ये अप्लाई कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ फॉन्ट पे आते हैं, तो फॉन्ट में देखिए बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, जो आपको फॉन्ट्स अच्छा लगे वो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए फॉन्ट अप्लाई हो रहा है, टेक्स्ट चेंज हो रहा है, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलेंगे, यहाँ पे इफेक्ट्स, इफेक्ट्स क्या, पहले ये मैं बता दूँ कि अगर हम यहाँ पे इफेक्ट्स कुछ भी करते हैं तो कोई भी रिस्पॉन्स यहाँ देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो इफेक्ट्स का रहते उतना ज़्यादा यूज है नहीं एक्सेल में, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन की ओर चलेंगे, यहाँ पे पेज सेटअप, पेज सेटअप का काम भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जानते हो क्या, जब भी हम पेज प्रिंट निकालते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं, वो इसमें पूरा का पूरा इसका सोल्यूशन है। तो चलिए पेज सेटअप में सबसे पहला ऑप्शन जो है आपका मार्जिन है। मार्जिन देखो क्या होता है, पहले हम ये बता देते हैं, थोड़ा सा प्रिंट प्रीव्यू में आपको दिखाते हैं कि हम फाइल में आते हैं, प्रिंट पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो आपका ये प्रिंट प्रीव्यू है, इस पर देखिए जो ऊपर की कुछ स्पेस हैं, इधर लेफ्ट राइट और डाउन, ये जो स्पेस हैं इसी स्पेस को बोलते हैं मार्जिन। मैं ये ऊपर इतनी जगह क्यों छोड़ा हुआ है, पूरा फैल के आना चाहिए, इधर भी फैलना चाहिए, इधर भी, ठीक है। तो ये जो ऊपर की जगह छोड़ा हुआ है इसी को बोलते हैं मार्जिन, इसको हम क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम आपको सेट करना बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, ठीक है, वाइड है, नैरो है, यहाँ पे आप कस्टम कर सकते हैं कि कितना टॉप पे जगह छोड़ेगा, कितना लेफ्ट पे, कितना राइट पे, ठीक है, कितना आपका हेडर, कितना फुटर, कितना टॉप। मुझे तो भैया यहाँ से समझ में नहीं आता, ठीक है, यहाँ सीधा प्रिंट प्रीव्यू क्लिक करो, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे देखो मार्जिन का एक ऑप्शन है, यहाँ आप क्लिक करोगे तो ये जो देखो ये एरो है, ये इसको ऐसे सेट करोगे यहाँ तक तो वो ले लेगा, ठीक है। देखिए हमने यहाँ तक सेट किया तो यहाँ तक मैटर आ गया, ठीक है। इधर भी सेट करेंगे थोड़ा सा, ये देखो, ठीक है, ऐसे ऊपर भी जाएंगे, देखो ऊपर भी पहुंच गया, ऐसे नीचे भी, ठीक है। तो ये देखिए नीचे हमको यह दिख रहा है ना कि ऊपर कितनी जगह छोड़ रहा है, साइड में, इधर साइड में, इधर साइड में इतनी जगह क्यों छोड़ रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसी को मार्जिन कहते हैं, आप मार्जिन ऐसे भी सेट कर सकते हैं या तो वहां से भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बैक चलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सेक्शन हमारा यहाँ तक आ रहा प्रिंट, ठीक है। तो मार्जिन में अगर आप ये मार्जिन सेट करेंगे, यहाँ पे आएंगे कस्टम पे आएंगे, यहाँ अपने अकॉर्डिंग आप 0 जो 0.7 है, 0.3 कर सकते हैं, 0.2 कर सकते हैं, इधर कुछ कर सकते हैं आप, इधर भी जो चाहिए अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा, ताकि वो पेज में क्या हो, चारों तरफ प्रॉपर वे में दिखाई दे, ठीक है।
तो चलिए इसको क्लोज करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, देखिए अभी तो ये हमारा जो प्रिंट प्रीव्यू है, ठीक है, ये पेज कैसा है, पोर्ट्रेट है, मतलब एक सीधा पेज है, ठीक है। इसको ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि पेज सीधा नहीं रहेगा, पेज लेटा हुआ हो जाएगा। देखिए ये सीधा एक ऐसा हुआ लैंडस्केप, ठीक है। अब हम लैंडस्केप करेंगे तो देखिए यहाँ पे अब हम देखेंगे इसको तो पेज क्या होगा, पेज देखो अभी तक सीधा था, अब क्या हुआ, लैंडस्केप हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। तो ये होता है लैंडस्केप, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों ओरिएंटेशन ऑप्शन में आते हैं, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको करेंगे बैक, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्यों चलेंगे, साइज। साइज में बता दूं कि बाय डिफॉल्ट जो साइज होता है वो हमेशा लेटर साइज होता है, ठीक है। जब भी क्लिक करोगे आप यहाँ पे देखो लेटर लेटर ऑलरेडी सेट है यहाँ पे, ठीक है। जो भी ऑप्शन में ज्यादातर पेज होते हैं वो पेज यूज होते हैं A4 साइज पेपर। गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी पेपर यूज होते हैं वो होते हैं लीगल साइज पेपर, ठीक है। तो लीगल साइज पेपर तुम्हारा A4 साइज पेपर, ठीक है। हमें अगर प्रिंट निकालना है तो हम A4 साइज में निकालेंगे, तो A4 साइज पे क्लिक किया। अगर अब हम देखते हैं तो अब हमारा ज्यादा ऑप्शन शो करेगा, ये देखिए अभी तक हमारा यहाँ तक आ रहा था, यहाँ तक, और अब यहाँ आ रहा है डाटा, ठीक है, आधार नेम एज आधार पे, ठीक है, ये यहाँ तक आ रहा है डेटा, ठीक है। इस तरह का क्या कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे डेटा जो भी है यहाँ पे इजी वे में हम पेज को, जो भी हमारे पास पेज होगा उसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है, पेज साइज पे, ठीक है। यहाँ पे जो भी पेज आपके पास है वो पेज यहाँ पे डालेंगे, पेज सेलेक्ट करेंगे और उस पर प्रिंट कर लेंगे आराम से, बिना डाटा कटे आपका, बिना कोई डेटा छूटे वो आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये है सेट प्रिंट एरिया। सेट प्रिंट एरिया मतलब जानते हो क्या होता है, अगर मैं कह दूं कि एक काम करते हैं कि आपको क्या करना है, एक मिनट, अगर मैं कह दूं कि आपको क्या करना है कि यहाँ, ठीक है, मैं इस दोनों को थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ नाम से लेके 10 स्टूडेंट का डेटा, सिर्फ मम्मी और पापा का नाम आना चाहिए, बस इतना, ठीक है, इतना बस, 17 नंबर तक, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर हम प्रिंट प्रीव्यू चेक करें तो कितना आ रहा है, पहले ये देखते हैं, देखो, अरे वाह, ये तो पूरा आ रहा है, ठीक है। पूरा तो नहीं आना चाहिए ना, पूरा हमको उतना ही चाहिए, कहाँ तक, सिर्फ 17 तक। तो यहाँ हम 17 तक सेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको भी ले लेंगे, रॉ एंड कॉलम को भी, नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा कि पापा क्या नाम है, मम्मी क्या नाम है, ठीक है। यहाँ तक लेते हैं और आगे 17 नंबर तक, ठीक है। यहाँ पे लेने के बाद यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ कर देंगे सेट प्रिंट एरिया। जैसे ही क्लिक करेंगे इतना प्रिंट एरिया क्या होगा, आपका सेट हो जाएगा। अगर अब हम प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो क्या आएगा, देख सकते हैं सिर्फ उतना ही नाम आ रहा है, ठीक, अंशिका गुप्ता तक। तो हम चलिए बैक चलते हैं, देखिए अंशिका गुप्ता तक हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। अभी इससे पहले प्रिंट प्रीव्यू चेक कर रहे तो पूरा आ रहा था, अभी कितना आ रहा है, आधा आ रहा है, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन और आपका है, क्या कहते हैं, ये है क्लियर प्रिंट एरिया, ठीक है। इस प्रिंट एरिया को हटाने के लिए क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे। तो क्लियर कर देंगे तो अब क्या आएगा, अगर आप प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे हम यहाँ पे, तो ये आप देखिए फिर से पूरा आने लगा, ठीक है। तो चलिए बैक चलते हैं। सो होप आपको यहाँ पे प्रिंट एरिया तो समझ में आ गया। आगे चलते हैं, पेज ब्रेक समझते हैं। पेज ब्रेक क्या होता है, इसको हम चेक कर सकते हैं कि कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम ममता देवी क्लिक करते हैं, पेज ब्रेक क्लिक करेंगे तो ये इंसर्ट पेज ब्रेक, तो ये हर एक पार्ट को डिवाइड कर देगा। देखो जहाँ से पार्ट है, देखो एक पार्ट ये हो गया, दो पार्ट हो गया, तीन पार्ट हो गया। मैं इसको प्रीव्यू में सिखाऊंगा आपको कि प्रिंट प्रीव्यू जब आप देखेंगे, देखिए एक पार्ट ये आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे, यहाँ देखिए नेक्स्ट, तो दूसरा पार्ट ये हो गया, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ठीक है। ये एक पार्ट वाइज पार्ट आपका डिवाइड कर देगा, ठीक है, इसका काम यही है। तो चलिए बैक चलते हैं और इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे, ठीक है, रिमूव पेज ब्रेक, ओके। तो क्लियर हो गया यहाँ पे। आगे जो ऑप्शन आता है आपका आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या है, तो चलिए यहाँ पे एक नया बोर्ड शीट लेते हैं, यहाँ पे शीट इंसर्ट किया हमने। अब यहाँ अगर बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं तो एक क्या होता है, ये बैकग्राउंड जो हम इस पर जब भी क्लिक करेंगे, तो यहाँ अगर हमारे पास कंप्यूटर में, तो यहाँ ऑफलाइन पे जाएंगे, ठीक है। ऑफलाइन पे जाने के बाद यहाँ कोई भी ले लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने ये चीज ले लिया, या कोई भी गैलरी में कोई फोटो वगैरह हो, या हम पिक्चर में चले जाते हैं, देखते हैं शायद एक आध दो पिक्चर हो इसमें, ठीक है। तो कोई पिक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको डेमो तरह बता देते हैं। यहाँ पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। मान लो ये पिक्चर हमने इसको इंसर्ट कर लिया, तो देखिए ये क्या हुआ, टोटल पेज के इसमें आपको आ गया क्या, बैकग्राउंड में आ गया। अगर हम यहाँ पर टाइप ही करेंगे तो टाइप भी हो गया, ये देखिए टाइप हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, बैकग्राउंड है हमारे सेल में, क्या है, बैकग्राउंड लग चुका है टोटल, ठीक है, टोटल वर्कशीट में एकदम बैकग्राउंड लग चुका है। इसको हटा भी सकते हैं,
वहीं पे आएंगे दिखेगा डिलीट बैकग्राउंड ऑप्शन, ठीक है। तो डिलीट बैकग्राउंड ऑप्शन पे क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट पिन करेंगे, उसके बाद ये क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ये करते हैं डिलीट, आ जाते हैं वापस अपनी सीट की ओर, यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे नाम देखते हैं, इसको थोड़ा सा हम ये थोड़ा सा बढ़िया कर देते हैं ताकि ये हमको समझ में आता रहे कि ये हेडिंग है, ठीक है, नहीं तो ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा है कहाँ जा रहा हूँ मैं। होम टैब पे आ गए, ठीक है। ये हम यहाँ पे आ जाते हैं और इसको कर लेते हैं क्या, ब्लैक ब्लू जो भी तुम्हें करना हो यहाँ पे कर सकते हो आप, हमको तो वो पसंद है, ये कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो ये सिलेक्ट है। अब देखो हम तुमको पेज लेआउट टैब में देखिए प्रिंट टाइटल क्या होता है। प्रिंट टाइटल क्या मतलब है, अगर यहाँ हम प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं तो, ठीक है, ये देखिए, तो ये जो टाइटल आपका नेम है, जेंडर है, फादर नेम है, मदर नेम है, ये क्या है, हमारा प्रिंट टाइटल है। ये तो पहले पेज में इस तरह है, क्या दूसरे पेज में भी इस तरह आएगा? तो देखिए हम दूसरे पेज में देखते हैं, तो ये दूसरे पेज में ना तो नेम आ रहा है, ना तो फीमेल आ रहा है, ना तो क्या कहते हैं फादर नेम आ रहा है, ना मदर नेम आ रहा है, मतलब टाइटल नहीं आ रहा इसमें। तो ये हर पेज में कैसे आएगा? तो यहाँ जाते हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। पहले तो यहाँ पे आएंगे प्रिंट प्रिंट टाइटल पे, इधर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले तो प्रिंट एरिया आप सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ तक आपको प्रिंट करना हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ करिए क्या, रोज टू रिपीट एट टॉप, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हम यहाँ से लेके इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कर देंगे ओके, ठीक। अगर अब हम इसमें जाएंगे प्रिंट टाइटल में चेक करने के लिए, सॉरी प्रिंट प्रीव्यू में, तो यहाँ देखिए ये पहले पेज पे आ रहा है। नेक्स्ट करेंगे तो देखिए दूसरे पेज पे भी नेम, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, तीसरे पेज पे भी। तो मीन्स कहने का मतलब क्या है कि आप रो को हर पेज में रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, वो हर पेज में आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए वापस चलेंगे, ओके डन। अब आगे देखते हैं स्केल टू फिट। स्केल टू फिट का मतलब क्या होता है समझते हो, ये जो अभी हमारा प्रिंट प्रीव्यू है, ठीक है, ये देखिए अभी हमारा कितने पेज पे आ रहा है, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक पेज, यहाँ टोटल लिखा 14, ठीक है। तो ये कह रहा है कितने पेज में आप चाहते हैं इस मैटर को, तो हम ये चाहते हैं भैया 14 ना करके चार पेज हो जाए, और ये भी क्या हो जाएगा चार, तो चार चार आठ, ठीक है, चार पेज हम चाहते हैं चार पेज में, अभी तक तो 14 था, अब मैं क्या चाह रहा हूँ ये चार ही पेज में प्रिंट हो। तो आप अगर प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे चेक करेंगे तो क्या फोर पेज में होगा मैटर, देखिए पहले पेज का है, यहाँ देखिए चार आ गया, वन ऑफ फोर, टू थ्री एंड फोर, तो ये मैटर क्या हो, टोटल हमारा चार पेज में सेट हो गया है, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ठीक है। तो समझ गए होगे आप इसका यूज क्या है। तो चलिए इसको बाय डिफॉल्ट कर देते हैं हम पहले से ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक, ठीक है, आप इसको आराम से सेट कर सकते हो। और यहाँ इसके अलावा 100% 30% जो आपको करना हो वो आप करिए, हम तो 100% रख ले रहे पहले जैसा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रिड लाइन क्या होता है, तो चलिए पहले तो हम ये वाली वर्कशीट पे आ जाते हैं। ग्रिड लाइन क्या है, देखो ये जो सेल है ये इसके अगल बगल जो रो एंड कॉलम वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसको यहाँ से हटा देंगे, देखिए एकदम हट गया, ठीक है, टिक लगा दिए तो आ गया। ऐसे हेडिंग्स, ये जो ए बी सी डी इधर 1 2 लिखा हुआ है, हटा हट गया, देखो आ गया, हट गया, आ गया, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अब देखो नीचे लिखा है प्रिंट, अब देखो प्रिंट क्या है, अगर इस पे आते हैं, अगर अभी यहाँ पे देखते हैं तो क्या ये ग्रिड लाइन इसमें प्रिंट हो रही है। प्रिंट प्रीव्यू में आते हैं, ग्रिड लाइन ए टू ए बी सी डी, और इधर देखो 1 2 3 ए बी सी डी नहीं है। तो चलिए इसको थोड़ा सा बैक करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे जैसे इस पे क्लिक करेंगे ग्रिड लाइन और इस पे हेडिंग पे, अब यहाँ पे आते हैं देखो, तो ए बी सी डी भी आएगा और 1 2 भी आएगा, इधर देखो 1 2 3 4 5 भी आ रहा है, उधर ए बी सी डी भी आ रहा तुम्हारा पूरा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे प्रिंट में देख सकते हो, चलो इसको बैक करते हैं, ठीक है, इसको वापस से अनटिक कर लेते हैं, क्लियर है दोस्तों। आगे हम चलेंगे आपका अरेंज में। अरेंज क्या है, अरेंज का टोटल एक एक इसको भी समझेंगे एक चीज, तो बिल्कुल आसानी से समझाएंगे अरेंज। देखो अरेंज हम क्या करते हैं, ये तो ले लेते हैं, मैं पहले से अपनी सीट वन पे आ जाते हैं, हम यहाँ पे आते हैं क्या है, यहाँ पे ले लेते हैं एक छोटा सा सेव, तो सेव पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने ले लिया ओरल, ठीक है, ये सर्कल ले लिया, कलर चाहे जो आप कर लीजिए वो हमसे नहीं मतलब है, ठीक है। एक आप यहाँ हम ले लेते हैं ये चीज, ठीक है, ये बॉक्स, ठीक है जी। तो अब ये बॉक्स इसके ऊपर आ गया,
ठीक है, मैं चाहता हूँ ये बॉक्स क्या हो, सर्कल के पीछे रहे, तो ये बॉक्स ऊपर, मैं चाहता हूँ सर्कल के पीछे रहे, या सर्कल क्या हो ऊपर आ जाए, सर्कल ऊपर आ जाएगा तो ये रेक्टेंगल ऑटोमेटिक पीछे चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सर्कल को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ करेंगे ब्रिंग टू फॉरवर्ड या ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तब भी आ जाएगा, देखो ऊपर कर दिया आ गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं यार सर्कल पीछे चला जाए, तो सर्कल सिलेक्ट किया, सेंड टू बैक कर देंगे यहाँ पे, देखो सर्कल पीछे चला गया। ठीक है, अब हम ये देखते हैं इसमें से क्या सेलेक्ट है, सर्कल सेलेक्ट है या ये सेलेक्ट है रेक्टेंगल, तो सिलेक्शन पैनल पे आएंगे तो यहाँ देख रहा है, देखो ये सिलेक्ट है, रेक्टेंगल नहीं सिलेक्ट है। जैसे हम रेक्टेंगल क्लिक करें, देखिए रेक्टेंगल सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया, तो यहाँ पे हमको दिखता रहेगा क्या सिलेक्ट है, सिलेक्शन पैनल का काम यही होता है। अलाइन, अलाइन का काम क्या होता है भैया, कि ये जो आपका लेफ्ट राइट अप डाउन किधर जाएगा कहाँ जाएगा, ये आपका पेज, ठीक है, ये आपका अलाइन करता है। ठीक है, इसको लेफ्ट राइट किसी भी पेज में आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका ग्रुप, ग्रुप क्या है, जैसे भी ये दोनों हमें एक साथ कहीं ले जाए जाएगा, नहीं जा रहा है, ये एक ही जा रहा है लेकिन ये साथ में नहीं जा रहा, चलो भैया तुम भी नहीं जा रहा। ठीक है, हम इसको यहाँ करते हैं कंट्रोल साथ, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, देखो दोनों सिलेक्ट हो गए तो यहाँ दोनों सिलेक्शन आपको दिखाई देगा। उसके बाद हम ग्रुप में आते हैं, ग्रुप कर देते हैं, अब देखो इसको ले जाएंगे दोनों साथ में जाएगा, ये देखो जा रहा है, बड़ा करेंगे तो एक साथ बड़ा भी होगा। ठीक है, तो ग्रुप करने के लिए इसको एक एक या एक से ज्यादा, तीन चार पांच, जितने भी चीज होंगे आप एक साथ क्या कर सकते हो, ग्रुप कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अनग्रुप करना, तो यहीं पे आएंगे अनग्रुप कर देंगे तो अनग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक साथ नहीं जाएगा, ये देखो, ठीक है, इधर भी नहीं जा रहा, ये देखो, तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। अब यार लास्ट में आता है रोटेट, ये तो आप जानते ही होंगे, एकदम बेसिक सा है फिर भी बता दे रहे हैं। ठीक है, चलो आओ यहाँ पे आते हैं, शेप में आएंगे तो रोटेट, मान लो हम एक एरो ले लेते हैं, ये देखो, अगर हम रोटेट पे आएंगे यहाँ पे, चलो पेज लेआउट पे आ गए, रोटेट पे आ गए, ये देखिए समझ रहे हैं, फ्लिप हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ठीक, जिस एंगल में चाहे वहां पे इसको रोटेट कर सकते हैं। सो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ थोड़ा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में सबको शेयर करें ताकि वो एक्सेल अच्छे से सीख सकें। और बाकी के जो कमेंट अगर आप करेंगे, कोई भी डाउट्स होता है आप कमेंट करिए, कमेंट का सलूशन हम आपको देंगे।